हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स क्रैक सीटेड सीरीज। माय नेम इज नेहा जयसवाल। तो अभी क्रैक सीटेड सीरीज में हम कर रहे हैं लर्निंग, और लर्निंग में हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी कर लिए हैं। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने लर्निंग के कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, उनकी बात की थी। सेकेंड वीडियो हमने उसमें टाइप्स की बात करी थी, कौन कौन से टाइप्स हैं, और वहां हमने गैने की थ्योरी को भी डिस्कस किया था। इसके बाद एक थर्ड वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें हमने लर्निंग थ्योरी शुरू करी है, और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जिसमें पावलोव और वॉटसन की थ्योरी इससे पहले वाले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। थ्योरीज को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और थ्योरीज में आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है साइकोलॉजी के फील्ड में, लर्निंग के फील्ड में इनका बहुत ज्यादा योगदान है। तो इनकी बहुत ही एक अच्छी थ्योरी है, और जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी के अंतर्गत कुछ लॉज दिए हैं लर्निंग के लिए, वो लॉज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी बात करेंगे हम कि क्या क्या लॉज इन्होंने लर्निंग के दे रखे हैं, यानी सीखने के नियम। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी को हम जानते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से, यानी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। इसके अलावा इन्हें एसआर बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी एसआर थ्योरी आप कह लीजिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एस होता है उद्दीपक, आर होता है आपकी अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या बॉन्ड थ्योरी अलग से भी इन्हें बोल देते हैं, बॉन्ड होता है बंधन। तो बेसिकली यहाँ एस और आर के बीच में बॉन्ड बनता है, और इसी को इन्होंने इसीलिए बॉन्ड थ्योरी कहा था। कनेक्शनिज्म थ्योरी से इसलिए कह देते हैं क्योंकि यही बात हो रही है कि एस और आर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है या एक तरह का कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है, इसीलिए इसको कनेक्शनिज्म कहा जाता है। ठीक है, कनेक्शनिज्म थ्योरी, जिसे हिंदी में हम कहेंगे संबंधवाद का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक फर्स्ट स्टेटेड द एलिमेंट्स ऑफ हिज थ्योरी 1913 दैट कनेक्शंस आर फॉर्म्ड इन द नर्वस सिस्टम बिटवीन स्टिमुलाय एंड रिस्पॉन्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो उद्दीपक है और जो अनुक्रिया है, यानी कि जो स्टिमुलाय होगा और जो रिस्पॉन्स होगा, उसके बीच में यहाँ पर कनेक्शन बनता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, और उसी से हमारी लर्निंग होती है। तो किस तरह के स्टिमुलस के प्रति हमें किस तरह का रिस्पॉन्स देना है, जब हमें ये समझ में आ जाता है तो यही होती है हमारी लर्निंग, और यही कनेक्शन फॉर्म हो जाता है। अब स्टिमुलस क्या होगा, कोई भी चीज आपके लिए स्टिमुलस की तरह एक्ट कर सकती है। जैसे अगर आपको भूख लगी तो फूड आपके लिए स्टिमुलस हो गया, आपको प्यास लगी है तो पानी आपके लिए स्टिमुलस हो गया। उसे प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देंगे, कोई अनुक्रिया देंगे। अच्छा, ट्रायल और एरर की जो बात इन्होंने करी है वो क्या है कि हमारे सामने कोई भी जब समस्या आती है तो उस समस्या को सुलझाने के लिए हम बहुत सारे तरीके देते हैं। पहली बार अगर हम किसी समस्या से एनकाउंटर कर रहे हैं तो हम पहली बार में तो नहीं जानते कि इसका भाई सही तरीका क्या होगा इस काम को करने का, तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे, कोई एक मेथड ट्राई करेंगे। मान लीजिए वो वर्क नहीं कर रहा तो हम दूसरा मेथड ट्राई करेंगे, फिर वो भी वर्क नहीं कर रहा तो हम तीसरा मेथड ट्राई करेंगे। जब तक हम सही मेथड पे, जो राइट हमारा मेथड है उस काम को करने का, या उस प्रॉब्लम का जो राइट सॉल्यूशन है, उस पर जब तक हम हिट नहीं कर लेते, हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, और हमारी जो गलतियां आ रही है उनसे भी हम सीख रहे हैं कि अच्छा ये मेथड काम नहीं कर रहा, ये मेथड काम नहीं कर रहा, ये मेथड काम नहीं कर रहा, और फाइनली हम राइट रिस्पॉन्स पे हिट करते हैं। तो प्रयास करेंगे, उस पर गलतियां होंगी तो हम कोई नया मेथड यहाँ पे लेकर आएंगे। फाइनली तब तक हम ये करते रहेंगे जब तक हमें सही उसका तरीका नहीं मिल जाता उस काम को करने का, या उस प्रॉब्लम का राइट सॉल्यूशन हमको नहीं मिल जाता। इसीलिए इसे कहा गया है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत। ऐसा में भी यही हो रहा है, कोई स्टिमुलस आपके सामने है, उसे प्राप्त करने के लिए आप रिस्पॉन्स देंगे। अब आप अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स दे रहे, जो आप ये अलग अलग मेथड्स बता रहे हैं वो रिस्पॉन्स ही तो है आपका, और ये रिस्पॉन्स आप कब तक देते रहेंगे, जब तक आप सही रिस्पॉन्स पे हिट नहीं कर देते। और जैसे ही आपको सही रिस्पॉन्स पे हिट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस स्टिमुलस के लिए मुझे ये रिस्पॉन्स देना है, ये कनेक्शन इसके बीच में बन जाएगा। यही होती है आपकी लर्निंग, इसी से आप सीख रहे हैं। अब देखिए, अपने इस थ्योरी को इन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने की कोशिश करी थी। तो एक्सपेरिमेंट जो थे इन्होंने किए थे एनिमल्स पे, कैट पे किए थे, रैट पे किए थे, हेन पे भी किए थे, लेकिन मोस्ट फेमस की हम बात करेंगे तो फेमस इनका है बिल्ली के ऊपर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि एक हंग्री कैट को इन्होंने एक बॉक्स में रख दिया। ठीक है, ये बॉक्स एक तरह का ट्रैप था, एक पिंजरा आप कह लीजिए इसे, इसमें एक लिवर लगा हुआ था। ठीक है, ये लिवर बना हुआ है और हंग्री कैट है, तो हंग्री कैट के लिए इन्होंने पिंजरे के बाहर रख दिया फूड। अब ये फूड या खाना जो है ये इस बिल्ली के लिए एक स्टिमुलस या उद्दीपक का काम कर रहा था। अब कैट हंग्री है, उसे क्या करना है, उसे इस फूड को
खाना है। तो अब वो इस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो पहले जब कैट को इसके अंदर डाला जाता है तो वो अब दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, इसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। उसके लिए वो रैंडम एक्टिविटीज करती है, कभी वो ऊपर कूदेगी, कभी नीचे कूदेगी, कभी दाएं घूमेगी, बाएं घूमेगी, कभी स्क्रैच करेगी उसके वॉल्स के ऊपर, या मतलब किसी भी तरीके से वो बाहर आना चाहती है। एक्सीडेंटली एक बार ऐसा होता है कि वो इस लिवर को हिट कर देती है, जिस लिवर के द्वारा इस ट्रैप का जो ये डोर है ये खुल सकता है। जब ये लिवर पर ये प्रेस करेगी, ट्रैप का डोर खुल जाएगा, बिल्ली यहां से बाहर आएगी और इस फूड को खा लेगी। इस एक्सपेरिमेंट को किया गया बार बार और ये देखा गया कि जब बिल्ली को बार बार इस ट्रैप के अंदर रखा गया और सामने उसके फूड रखा गया, तो धीरे धीरे जो टाइम ले रही है बिल्ली इस पिंजरे से बाहर आने का, वो कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? भाई पहली बार जब उसको डाला गया उसे नहीं पता था कि ये डोर कैसे खुलेगा, तो वो रैंडम एक्टिविटीज कर रही थी। इस तरीके से बार बार वो सीखती गई कि किस तरीके से लीवर हिट करके ये ट्रैप डोर खुल जाएगा। तो फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे ही बिल्ली को आप पिंजरे के अंदर डालेंगे, वैसे ही वो इस लीवर को प्रेस करेगी और इस ट्रैप डोर के खुलते ही वो बाहर आ जाएगी और फूड को खा लेगी। यानी कि यहाँ कैट की लर्निंग हो गई है, वो सीख गई है कि इस ट्रैप में से किस तरीके से बाहर आना है। अब थॉर्नडाइक ने अपनी इस थ्योरी में कुछ नियम दिए हैं सीखने के, ठीक है, लॉज ऑफ लर्निंग कहते हैं इन्हें। तो पहले तो आपके हैं प्राइमरी लॉज, जिन्हें हम मुख्य नियम कहते हैं, और दूसरे टाइप के आपके आते हैं सेकेंडरी लॉज, जिन्हें हम गौड़ नियम कहते हैं। तो पहले प्राइमरी लॉज की बात करेंगे कि मुख्य तीन नियम क्या हैं लर्निंग के। तो सबसे पहला नियम है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। तो द लॉ ऑफ रेडीनेस का अर्थ है कि एक इंडिविजुअल को आप तब तक कुछ नहीं सिखा सकते जब तक वो खुद ही सीखने के लिए तत्पर ना हो। अगर आप एक बच्चे को सिखाना चाहते हैं लेकिन वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप उसे कैसे सिखाएंगे? तो उस बच्चे का तैयार होना, सीखने के लिए तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रेडी होना बहुत जरूरी है, या कहेंगे उसके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं आज कुछ सीखूं। अगर उसके अंदर सीखने का मोटिवेशन नहीं है तो आप उसे कुछ नहीं सिखा सकते। इसी को हम लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी भी कहते हैं। लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी का मतलब है कि एक बच्चा तभी सीखेगा जब उसके अंदर एक एक्शन टेंडेंसी अराउज होगी, ठीक है, एक टेंडेंसी आएगी कि हाँ मुझे कोई काम करना है। जैसे कि अगर बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम रखी है तो अगर वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की तैयारी नहीं है तो आप उससे कैसे करवाएंगे वो काम? जब एक एक्शन टेंडेंसी बच्चे के अंदर से आती है तभी बच्चा उस काम को करेगा या उस काम को सीखेगा। फिर दूसरा है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। अब देखिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब ये है, थॉर्नडाइक के अनुसार जो ये SR बॉन्ड बनते हैं या जो कनेक्शंस बनते हैं, इनको अगर आपको स्ट्रेंथन करना है यानी मजबूत बनाना है तो आप किससे कर सकते हैं? प्रैक्टिस से, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ठीक है, ड्रिल या प्रैक्टिस से। यानी आप बच्चे को बार बार अभ्यास कराएंगे किसी चीज का तो उस काम को करने का जो तरीका है वो और अच्छे से उसके दिमाग में बैठ जाएगा, जो SR के बीच में जो बॉन्ड बना है, जो कनेक्शन बना है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज को इस दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लॉ ऑफ यूज, ठीक है, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। यूज का मतलब है बार बार आप किसी काम की प्रैक्टिस कराते रहिए तो उसकी लर्निंग और ज्यादा अच्छी होती जाएगी बच्चे की, या फिर आप कहें कि SR बॉन्ड के बीच में जो कनेक्शन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। और लॉ ऑफ डिसयूज का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज आती है जो आप बच्चे को छुड़वाना चाहते हैं, ठीक है, कोई गलत आदत है या किसी काम को करने का गलत तरीका है, वो आदत आप चाहते हैं कि बच्चा छोड़ दे, तो लॉ ऑफ डिसयूज आएगा यहाँ पर कि आप बच्चे को वो काम करने ही ना दे, उस काम की प्रैक्टिस जैसे ही जैसे नहीं होगी तो वैसे ही SR बॉन्ड जो है ये वीक हो जाएगा और फाइनली बच्चा उस चीज को भूल जाएगा या फॉरगेट कर देगा। फिर आता है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। अब लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार जब कोई इंडिविजुअल कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, अगर उसे वो रिस्पॉन्स संतुष्टि दे रहा है तब तो वो इस काम को बार बार करेगा, अगर वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो वो उस काम को छोड़ देगा। एक बच्चा है, उसने टेस्ट में के लिए बहुत पढ़ाई करी, उसे नंबर अच्छे मिले, उसे अच्छे रिमार्क्स मिले और टीचर से बहुत प्रेज मिली, तो वो आगे भी उस काम को दोबारा करने के लिए मोटिवेट हो जाएगा, वो हार्डवर्क करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट होगा। लेकिन अगर किसी काम को करने के बाद बच्चे को बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको पनिश किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चा उस काम को नहीं करेगा क्योंकि उसका रिस्पॉन्स जो है उसके लिए सेटिस्फाइंग नहीं है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट हमारा या प्रभाव का नियम यही है कि अगर हमारी किसी अनुक्रिया के बाद जो हमारे पर प्रभाव आ रहा है वो अगर हमें सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उस काम को करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम उसको नहीं करेंगे। फिर आते हैं हम सेकेंडरी लॉज पर, जिन्हें हम गौड़ नियम कहते हैं। तो इसमें पहला है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज,
बहु अनुक्रिया का नियम। तो देखिए, कोई भी समस्या, कोई भी काम हमारे सामने आता है तो हम उसे ट्राई करके देखते हैं। तो मल्टीपल रिस्पॉन्सेस का मतलब यही है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज करता रहता है, तब तक चेंज करेगा जब तक वो सही बिहेवियर पर हिट ना कर दे। विदाउट फायरिंग द रिस्पॉन्सेज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द सोल्यूशन माइट नेवर बी लिसन। अगर आप अपने अनुक्रिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे, अगर आप किसी काम को करने का एक ही तरीका बार बार लगाते रहेंगे और वो काम उस तरीके से हो ही नहीं रहा है, तो आप कभी भी उस काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन ला ही नहीं रहे। आपको अपनी अनुक्रिया में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी आप सही सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। तो सही सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने रिस्पॉन्सेज को बार बार चेंज करते रहें या मल्टीपल रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करें, यानी कि एक से ज्यादा। तो थॉर्नडाइक के जो एक्सपेरिमेंट में कैट थी, इसे जब पजल बॉक्स में रखा गया था, ठीक है, वही ट्रैप जिसे हम कह रहे हैं पिंजरा, तो उसे पजल बॉक्स में जब रखा गया था तो वो बहुत तरीके से ट्राई करती है उससे निकलने की, ठीक है, और तब फाइनली हिट करती है वो स्ट्रिंग के ऊपर। उसका पाव अचानक से पड़ जाता है, जो उसका पैर है वो अचानक उस लीवर को हिट कर देता है और तभी उसका डोर खुलता है, तब वो जंप आउट कर जाती है। फिर लॉ ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति का नियम। तो लॉ ऑफ एटीट्यूड के अनुसार किसी भी इंडिविजुअल का सीखने के लिए उसकी जो मनोवृत्ति है वो भी सही होनी चाहिए। अगर मेरा एटीट्यूड ही सही नहीं है कि मैं किसी काम को सीखना ही नहीं चाहती, तो फिर मैं वो लर्न कर भी नहीं पाऊंगी ठीक से। तो लर्निंग इज गाइडेड बाय टोटल सेट ऑफ एटीट्यूड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी ऑर्गेनिज्म या किसी इंडिविजुअल की टोटल जो उसका एटीट्यूड है या उसकी मनोवृत्ति है उस पर निर्भर करता है कि उसकी लर्निंग कितनी अच्छी होगी। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर एक क्रिकेटर जो है वो अपने आप को सेंचुरी मारने के लिए तैयार नहीं करेगा तो वो ज्यादा रन स्कोर कर ही नहीं सकता। उसका एटीट्यूड ही नहीं है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा खेलना है, तो आप किस तरीके से इस काम को सही तरीके से कर सकता है। फिर आता है आपका प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। अब प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग देखिए क्या है कि एक लर्नर के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी सिचुएशन के कुछ विशिष्ट पहलुओं के ऊपर ही वो अपना ध्यान देगा। और होता भी है, अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने दिख रही है तो ओवरऑल हम जब उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स या पहलुओं के ऊपर ध्यान देंगे तो हम कभी भी सही सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो लर्नर की एबिलिटी होती है, उसकी क्षमता होती है कि वो सिर्फ एसेंशियल एलिमेंट जो उसके लिए जरूरी है वो उन पार्ट्स को देखकर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करे, यही एक्चुअली उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में मदद करती है। जैसे कि अगर आप बात करें कि आप मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मैथ्स का जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम को जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाली जाती हैं, ठीक है, कि आपको दिया क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, उसके बेसिस पे आप उसका सोल्यूशन निकालते हैं ना। आप पूरी प्रॉब्लम को पढ़ के आप उसके सिर्फ एसेंशियल एलिमेंट्स को निकालेंगे और तब उसको सॉल्व करेंगे। यही चीज यहाँ पर बताई गई कि प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि एक लर्नर या जो भी एक इंडिविजुअल है जब उसके सामने कोई समस्या आती है तो वो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करता है। फिर देखिए लॉ ऑफ एनालॉजी, सादृश्यता का नियम। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंडिविजुअल मेक्स यूज ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंसेस और एक्विजिशंस व्हाइल लर्निंग अ न्यू सिचुएशन। तो एनालॉजी देखने का अर्थ यही है कि आप किसी पुरानी या ओल्ड सिचुएशन का जो सिमिलैरिटीज हैं वो किसी न्यू सिचुएशन के साथ भी देख सके, तभी आपकी जो पूर्व में सीखी हुई कोई चीज है वो आपको नई जगह भी काम आ सकती है। ये तभी आएगी जब आपको ओल्ड और न्यू में कुछ सिमिलैरिटीज देखना आता हो, कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर क्या हैं। फिर आता है आपका लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सहचर्य परिवर्तन का नियम। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी मे गेट एनी रिस्पॉन्स ऑफ विच अ लर्नर इज केपेबल एसोसिएटेड विद एनी अदर सिचुएशन टू विच ही इज सेंसिटिव। तो देखिए, इसमें थॉर्नडाइक का कहना ये था, एक लर्नर को या एक अधिगमकर्ता को कुछ भी ऐसा सिखा सकते हैं जिसके लिए वो केपेबल है, ठीक है, जो वो कर सकता है, ऐसा कोई भी चीज सिखा सकते हैं उसे, अगर वो जिस चीज के प्रति सेंसिटिव है, संवेदनशील है, उसके साथ उसे एसोसिएट करके सिखाया जाए, ठीक है। बेसिकली यहाँ कंडीशनिंग की बात हो रही है, जैसे पैवलोव और हमने वॉटसन के में देखी थी ना, कंडीशनिंग हुई थी कि कुत्ते का जो रिस्पॉन्स है वो बेल पे आ रहा था, लेकिन उसे एसोसिएट करके बताया गया था ना किस तरीके से, कि उसे पहले बेल बजाई जा रही थी, फिर फूड प्रेजेंट किया जा रहा था, तब कुत्ता सेलिब्रेट कर रहा था। जब ये बार बार होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि केवल बेल बजने पर ही कुत्ता सेलिब्रेट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ भी एसोसिएटिव शिफ्टिंग में कंडीशनिंग की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने जैसे एग्जाम्पल लिया कि इन्होंने एक कैट को सिखाना था स्टैंड अप के कमांड पर वो खड़ी हो जाए, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक फिश को जो है कैट के सामने एक रॉड से लटका दिया, टैंगल कर दिया, ठीक है, और उसके बाद पहले स्टैंड अप कमांड बोला गया,
फिर उसके सामने उस फिश को लटकाया गया ऊपर की ओर, तो जिसे वो उसे पकड़ने के लिए खड़ी हो जाएगी या ऊपर को उछलेगी। तो ऐसा कई बार करने के बाद थॉर्नडाइक ने क्या किया कि उसने फिश को तो हटा दिया और सिर्फ जो ओवरऑल कमांड है स्टैंड अप, वो कैट को समझ में आने लगा कि स्टैंड अप वो जैसे ही कहता था तो कैट खड़ी हो जाती थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैट की लर्निंग करवा दी, लेकिन वो किस तरह से कराई है कि हमने उसे एक ऐसी सिचुएशन के साथ जोड़ कर या एसोसिएट करके सिखाया है जिसके प्रति कैट सेंसिटिव थी। तो ये है आपके लॉज ऑफ लर्निंग। अब क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं कि जो थॉर्नडाइक की हमारी थ्योरी है इसके क्रिटिसिज्म क्या है। तो सबसे पहली बात देखिए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि ये थ्योरी बहुत मैकेनिकल है, यानी कि यांत्रिक है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि किसी भी सिचुएशन में अगर हमें कुछ सीखना है तो हम ट्रायल और एरर मेथड से सीखते हैं। तो इनके अनुसार थॉर्नडाइक ने एक्चुअली किसी गोल या पर्पस को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। उनके अनुसार सीखने के लिए किसी गोल या पर्पस की जरूरत नहीं है। आपके सामने कोई सिचुएशन आई, आप ट्राई करिए, आप बार बार गलतियां करिए, प्रयास करिए, और अल्टीमेटली जब सही रिस्पॉन्स पे हिट करेंगे तो आपकी लर्निंग हो जाएगी। तो इनका कहना था कि ये तो बहुत मैकेनिकल टाइप की बात हो गई, भाई ऐसा ही हमेशा नहीं होता है। जब तक हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई उद्देश्य नहीं होगा, तब तक हमारी लर्निंग नहीं होगी। और अगर लक्ष्य या उद्देश्य हो तो किसी भी इंडिविजुअल की जो लर्निंग है वो एक स्टेप में भी हो सकती है, एक ट्राई उसने किया उसी में वो सीख जाएगा। लेकिन अगर कोई सीखने के लिए तैयारी नहीं है या कोई गोल या पर्पस नहीं है अगर किसी का सीखने का, तो वो बार बार अगर उसे ट्राई कराते रहोगे, वो बहुत सारा रिस्पॉन्स देता रहेगा, तो इससे वो सीख थोड़ा ना जाएगा। हो सकता है बहुत सारे ट्राई करने के बाद भी उसे कुछ समझ ना आए और वो कुछ ना सीखे। उन्होंने ये भी कहा कि भाई थॉर्नडाइक ने जो अपना कैट का एक्सपेरिमेंट किया है उसमें भी अगर देखा जाए तो कैट जो बार बार ट्राई कर रही है ट्रैप से बाहर आने का या फिर पजल बॉक्स से बाहर आने के लिए, तो वो भी कोई ब्लाइंड नहीं है। वो बस ऐसे ही ट्राई नहीं कर रही है, उसका एक गोल है, उसे फूड तक पहुंचना है और उस फूड से उसे प्लेजर मिल रहा है। तो कोई भी जब कुछ सीखता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित करता है, उसकी तरफ वो बढ़ता है और तब वो सीखता रहता है। लेकिन थॉर्नडाइक ने हायर मेंटल प्रोसेसेस को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। फिर दूसरी चीज देखिए, इफेक्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर डिपेंड्स ग्रेटली अपॉन साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ मैन एंड एनिमल। तो इनका कहना था कि भाई जो ट्रायल और एरर है ये डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति की या किसी जानवर की जिसकी भी लर्निंग हो रही है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो कैसी है। मानसिक स्थिति उसकी सही होनी चाहिए, कोई ना कोई गोल या पर्पस या डायरेक्शन होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति या वो एनिमल जो है लर्निंग होगी। अदरवाइज अगर उसके दिमाग में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, ट्रायल अगर जो उसके गलत हो भी रहे हैं, अगर वो एरर्स हो भी रहे हैं, तो वो ब्लाइंडली उन ट्रायल्स को बार बार करता ही रहेगा। वो उन गलतियों से भी नहीं सीख रहा, वो बस ब्लाइंडली इन एरर्स को दोहराता जाएगा विदाउट एंड। इसके बाद इनका तीसरा पॉइंट था कि जो लॉज ऑफ लर्निंग है उन्हें इन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड है। जैसे हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करें, अगर अभ्यास का नियम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बताया इन्होंने कि अगर हमें एसआर के बीच में जो बॉन्ड है उसे स्ट्रेंथन करना है या किसी बच्चे की लर्निंग और परमानेंट करवानी है, तो हम क्या करेंगे, उसे बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे, और अगर हम प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो वो चीज वो फॉरगेट कर देगा या भूल जाएगा। और ऐसा होता नहीं है कि अगर कोई चीज बार बार प्रैक्टिस की जाए तो आप उसे सही तरीके से कर लोगे बाद में। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि भाई 1 रुपी नोट है वो इतने लोगों के हाथ से रोज गुजरता है, लेकिन उसके बारे में अगर आप उसके कलर के बारे में, उसकी शेप के बारे में या उसके बारे में कोई डिटेल पूछ लें तो वो उनको नहीं पता होती है। दूसरी चीज, अगर आपने एक स्कूल के बच्चे को आपने पनिशमेंट दी है, उसने अपना होमवर्क नहीं किया, आपने पनिशमेंट दे दी कि तुम लिखो आई हैव नॉट डन माय होमवर्क, इसे 100 टाइम्स लिख के लाओ। बच्चे ने ये 100 टाइम्स लिखा, कुछ सही लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब उसे एकदम सही से लिखना आ गया। अगली बार उसकी कॉपी चेक की गई तो उसने क्लास में लिखा था आई हैव नॉट डिड माई होमवर्क। तो मैकेनिकली तो उसने उस समय 100 टाइम्स लिख दिया था, बार बार उसकी जाने कितनी प्रैक्टिस हो गई होगी, लेकिन जब बाद में उसने दोबारा क्लास वर्क में लिखा तो उसने इस तरीके से लिखा। तो ऐसा नहीं है कि बार बार अगर ट्रायल्स किए जाए, बार बार प्रैक्टिस कराई जाए तो कोई लर्निंग परमानेंट हो जाएगी, बल्कि डिस्करेज किया गया था कि इस मेथड को तो बिल्कुल भी टीचर्स जो है यूज ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्रैमिंग पे जोर दे रहा है। ठीक है, इससे रटने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो ये थोड़े क्रिटिसिज्म थे। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इस थ्योरी के, शिक्षा के क्षेत्र में इसके क्या योगदान है। तो सबसे पहली बात आती है हेल्प इन रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग। तो एक टीचर को ये देखना होता है कि बच्चे को क्या चीज सिखानी है और क्या चीज उसकी छुड़वानी है, या मतलब किसी काम करने का गलत तरीका या कोई रॉन्ग हैबिट जो बच्चों की चाहते हैं कि टीचर्स वो छूट जाए या बच्चे उसे भूल जाए,
तो इसके लिए क्या किया जाएगा, जो चीजें बच्चे को ज्यादा सिखानी है उसकी बार बार ड्रिल और प्रैक्टिस कराई जाए, तो SR बॉन्ड जो है उसके बीच में वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो बच्चे उसे ज्यादा अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन अगर हमें कोई चीज बच्चों को छुड़वानी है तो हम क्या करेंगे, बच्चों को अनोइंग रिजल्ट्स देंगे, बच्चों को बार बार वो काम करने से टोकेंगे, मना करेंगे, जिससे कि बच्चे उस काम को करना छोड़ दें। फिर दूसरा है आपका चाइल्ड मस्ट बी रेडी टू लर्न। जैसे कि हमने तत्परता के नियम में भी देखा कि आप बच्चे को तब तक नहीं सिखा सकते जब तक वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो चाइल्ड को पहले रेडी करना है सीखने के लिए। ये कैसे किया जा सकता है कि पहले बच्चे का कंटेंट पे इंटरेस्ट जगाए, उसका एटीट्यूड जो है वो सही किया जाए और बच्चे को मोटिवेट किया जाए, जिससे कि बच्चा जो भी चीज सीखनी है उसके सीखने के लिए रेडी हो सके। फिर देखिए यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। हमारी जो पूर्व ज्ञान होता है या पूर्व अनुभव होते हैं वही बेस बनते हैं हमारे लिए न्यू नॉलेज का। तो टीचर को क्या करना है कि बच्चों के अंदर हैबिट डेवलप करनी है कि वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट कर पाए, सिमिलैरिटीज देख पाए जो पहले उन्होंने चीजें सीखी हुई हैं उसके बीच में, और जो वो नया आप सीखने वाले हैं उसके बीच में जो सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको नोटिस कर सके, उन्हें समझ में आ सके, और इसी के द्वारा वो नई चीजों को सीखेंगे। फिर चाइल्ड शुड बी एनकरेज टू वर्क इंडिपेंडेंटली। बच्चे स्वतंत्र रूप से काम कर सके इसके लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ट्रायल एंड एरर की जो बात की गई है, आप बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम रख दीजिए और बच्चा उसके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस देगा, ट्रायल एंड एरर करके उन्हें सीखेगा। लेकिन यहाँ पे टीचर को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बच्चा जो है अपना टाइम अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे, आपको गाइड करते रहना है। रिस्पॉन्स तो बच्चा देगा लेकिन आपको सही तरीके से गाइड भी करना है कि वो अपनी मिस्टेक्स रिपीट ना करे, अपनी गलतियों को ना दोहराए, वो रिस्पॉन्सेस दे लेकिन सोच समझ कर, प्रॉब्लम को समझ कर कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, सही तरीके से तर्क देकर वो समस्या का समाधान करे। तो इसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी टीचर की। ठीक है, बच्चे को इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए एंकरेज जरूर करना है लेकिन आपको गाइड करना है। प्रैक्टिस लीड्स टू मैच्योरिटी। तो यहाँ लॉ ऑफ एक्सरसाइज की जो बात की गई है इसके अनुसार भाई प्रैक्टिस जैसे जैसे बच्चे की आप ज्यादा कराएंगे वैसे वैसे बच्चे की जो लर्निंग है और ज्यादा अच्छी होती जाएगी और ज्यादा परमानेंट होती जाएगी, कॉन्सेप्ट और ज्यादा पक्के होंगे। फिर है आपका हैबिट फॉर्मेशन। तो हैबिट फॉर्मेशन भी यहाँ पर आप करवा सकते हैं। अगर बच्चों को बार बार कोई काम रिपीट करवाया जाएगा तो बच्चों की वो हैबिट बन जाती है। तो इस तरीके से हमें गुड हैबिट्स बच्चों के अंदर डलवानी है और जो बैड हैबिट्स हैं वो छुड़वानी है। तो हम गुड हैबिट्स के लिए ही बच्चों को बार बार रिपीटिशन करवाएंगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पे जैसे कि प्रभाव के नियम में भी बात की गई थी, लॉ ऑफ इफेक्ट में, कि अगर बच्चे को सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलता है तो बच्चा उस काम को दोहराता है, अगर बच्चे को पनिशमेंट मिलेगी या दंड मिलेगा तो बच्चा उस काम को नहीं दोहराएगा ऑब्वियसली। तो इसलिए हमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट की यहाँ से इंपॉर्टेंस या महत्वपूर्णता पता चल रही है कि अगर आप बच्चा सही काम कर रहा है तो उसको फीडबैक जरूर दीजिए, उसे रिवॉर्ड दीजिए, उसे प्रेज कीजिए, जिससे कि बच्चा उस काम को फिर से करे। और अगर बच्चे की कोई गलत चीज है, कोई गलत काम वो कर रहा है, तो उसके लिए पनिशमेंट की भी बात यहाँ पर की गई है, जिससे कि बच्चे को समझ में आए कि ये काम गलत है और उसे ये नहीं करना। देन इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग। देखिए ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि थ्योरी से हम सिर्फ लर्नर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक टीचर के लिए भी बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। टीचर को भी ये जरूर चेक करना चाहिए कि जिस तरह से वो पढ़ा रही है वो कितना सही है। ठीक है, टीचर भी तो अलग अलग मेथड्स ही यहाँ पर लगाते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट यहाँ पर कैसे यूज हो सकता है कि आप ये देखें कि जिस तरह से आप बच्चे को सिखा रहे हैं बच्चा उसे सही तरीके से सीख पा रहा है नहीं, वो आपके लिए एक फीडबैक का काम करेगा। तो अगर आप वो बच्चों से सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिल रहा है कि हाँ भाई बच्चे अच्छे से सीख पा रहे हैं तो ठीक है, और अगर बच्चे अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, आपको अपनी इंप्रूवमेंट लेकर आना है, अपनी टीचिंग मेथड्स को चेंज करना है, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा जिससे बच्चे अच्छी तरह से सीख सके। तो ये टीचर के लिए भी इम्पोर्टेंट। तो ये है हमारी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फ्रॉम टीईटी पर्सपेक्टिव। इस पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में हम डिफरेंस को भी लेते हुए चलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।